Hello everyone, in this video I will share you a short trick which is helpful for your all teaching exams such as CTET जो आपको 2 marks दिला सकते हैं maximum और minimum, ये depend on the question paper. चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. relationship in LCF and SCF, माना consider किया हमने कि small a and b 2 numbers है और उनका LCM और SCF क्या है, capital A and capital B है. तो इसमें जो relationship drive होती है वो होती है कि जो दोनों number का product होता है, दैट इज़ ए क्रॉस बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इज़ इक्वल टू होता है दोनों के एल सी एम और एस सी एफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है. बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है, आपसे सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे. क्या है यहाँ पे, हमने एल सी एम और एस सी एफ को क्या कंसिडर किया हुआ है, कैपिटल ए एंड बी. तो हम यहाँ पे कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी लिख देते हैं. तो चलिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बस बाकी सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ईजिली. चलिए स्टार्ट करते हैं. नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी, जहाँ पे कैपिटल ए और बी हमारे एलसीएम और एससीएफ है और ए और बी नंबर्स हैं. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 96 एंड 4 है और एक नंबर हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, 32. तो हमें अनदर निकालना है. तो बस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. इस फॉर्मूले अब ए क्रॉस बी मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम का प्रोडक्ट इनटू एससीएफ, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं. तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस कैपिटल ए क्रॉस बी, जहाँ ए और बी एलसीएम और एससीएफ है. अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे 96 इंटू 4 एंड इधर हमारे पास एक नंबर गया 32 एंड बी. अब हम क्या करेंगे, इस 32 को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू फाउंड आउट हो जाएगी. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो जब हम इसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 96 इंटू 4 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 32. और जब हम इसे कट करेंगे तो 480 टाइम्स बार 32 कट जाएगा 4 से और 8 हमारे पास ये 96 12 बार में कट जाएगा, मतलब जो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी. इस प्रकार से हम इस नंबर को निकाल सकते हैं. तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12. ओके, तो इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर निकाल लिया. इसी प्रकार से हमें बस ये फॉर्मूला याद करना है. पेपर में क्या होता है, पेपर में कुछ भी एक इस चारों में से कोई एक मिसिंग होगा जो आपको फाइंड आउट करना है. थैंक यू.